अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेट लाइन से गड आया मेज़बान एजाज चिजन अज बुधाइंदुस जिले खैरपुर सखर में महकमा खुराक पारा मुबैन करप्शन बाबत असा वट जिनजा सबूत भी आहिन जडे त नेब जे आला अमलदारन पारा जेके असाजा जरिया उन्हें पारा भी इो इंकशाफ कयो वयो आहे त जिले सखर जिले खैरपुर में इन वक्त ताईं एक अरब रुपए का वधीक जी करप्शन कई वही है, पर जन जी जांच हली रही है। नेब अख्तियार वट काफ़ी सारियों जो दरख्वास्तू पौतल आन, पर उन दरख्वास्तन जो इन वक्त रेफरेंस अजा तक दाखिल नी सकिया। नेब के जरिए जो इो चवण है तो उनके आयल दरख्वास्तून उन बाद जो है सेक्रेटरी खुराक के सख्ती से लिखो वो है। यो भी बुधाई हल तो जिले खैरपुर में छवंजा सेंटर कायम क्या वादा जे कणक खरीदारी कह छवंजा सेंटर सेंटर सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर जो तैनात क्या वादा उवाम से कड़ी ज्यादतियों कड़ा जुल्म कहन करप्शन की बाजार गर्म है, पर इत जो है उनका को पुछण वो ना आबादगार जो हमेशा सरापाए एहतजाज रहा पोया असाजे तक ही फूड सेंटर खैरपुर नजर अची रो जिते अस वयासी सिवाय चौकीदार का मौजूद ना है, को ऑफिसर गालण ला तैयार ना है। जडे तक यो बुधा तो मुबैन थियल करप्शन के हवाले से इतने DFC हो असगर अली शाह जैसे भी जो हटाया वो है, जडे त इन करप्शन में जो DFC का वी वे हेठे मुलाजिम का वी DFC तई उनमें फूड सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर बिया अमलदार शामिल होंदा जेके आबादगारन जा पैसा हड़प कर छींदा जेके लखे रुपये में होंदा, पर कणक जो वेचारा पो आबादगार जी कणक जो फसल जो कह इन उम्मीद से तो उन्हें पैसा मिलंदा जैसे सरकारी गोदाम से वह कणक पुजाई वेंदी है, पर इतने इंतजामिया जो है वह गालण ला तैयार ना है। इंतजामिया जो इतने जो है DFC है अब्दुल मजीद बम्बरो साहब DFC खैरपुर जैसा असि कुछ देर पे गाल बोलती तो उन्हें मुआजरत कई यो तो इत जो अगूणो DFC हो सैद असगर अली शाह उन्हें मुबैन करप्शन कई उनखा ही अव पुछा कर जैसे असं फोन से उन राबो क्योंसी तो उन्हें चो दादा मुझी बदली थी वही है कराची हेडक्वार्टर में आऊँ आया जो इन वक्त मौजूद है DFC उनका असं तुम जो है तमाम तर डिटेल वो हकीकत तो यही ही है आबादगार जो है इन जुल्म की चक्की में पिसजो रहे तो, पर इतने इंतजामिया जो मौकफ़ देने लाय तैयार ना है। असी हाँ रुख कंदासी अंदर अवां के बुधाइंदासी तो इत जो है केतरी कणक जो मौजूद है आबादगार से कड़ा जुल्म थियन था पाया आबादगार कणक वी कर पैसा ना दिना वन अवं यो भी बुधाया तो सखर के साइट एरिया गोदाम में खुराक खाते में 9 करोड़ रुपए की करप्शन हेठ वकार अवान नाले जो फूड इंस्पेक्टर वो जो है इन वक्त भी जो है जेल में पैंकी सजा भोगे रो है। यो बुधा तो जी करप्शन थे थी पी खुराक खाते में, पर जिनका को पुछण वो ना इन आबादगार को साई धनी ना है। हि आबादगार DFC वट वन था पाया नैब अख्तियार वट वन था आला अख्तियार वट वन था, पर खबर नी पे तो इन आबादगार की जो है दाहकूक छो नी वरनाई वे असि हाँ जो रुख कंदी मालूम कंदी तो हि असल वजह है छो जो यह करप्शन थे थी पी कड़े तरीके से करप्शन थे थी पी असि पर्दो अज खणंदी पैं प्रोग्राम जरिए खुराक खाते में थियल करप्शन बाबत जो है जैमें हमेशा 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 आबादगार जो है वो पिसंज रो है। तमाम घणे अफसोस से यो तो चवण पे तो आबादगार जे इत जी मौजूद हैं जैसे उनके खबर पई तो इतने मीडिया पौती है तो वे आबादगार जो कागज़ ए सबूत खड़ी कर पौता उन आबादगार यो भी चवण है तो नेब अख्तियार के भी जो है इतना के थियल मुबैन करप्शन बाबत जो है दरख्वास्तू दिन ट्रिप मेहर शाह फूड गोदाम है जैमें उन्हें 600 बोरियो अफसोस की गाल अफसोस की गाल है तो आबादगार बच्चन जो जो गुजर बसर हों 600 बोरियं खी कर उन ड्रिब मेहर शाह गोदाम में जो लाथ्यू जैखा पो जो है फूड सुपरवाइजर अली मोहम्मद जमाली उनके रसीदू दिनों उनके जो है पंजो बिल जो दिना तो वही बैंक में तक पेमेंट वो, पर हकीकत यह है उन दोस्तों जो यो इल्ज़ाम है तो उतना असर पेमेंट न मिली वही न डनी वही जैसे लाए डिप्टी डायरेक्टर फूड अनीस महर
के हुन दाहूं डिनियूं, पर हकीकत यह है तो उन्हें जा पंजा पैसा देने लाए भी रिश्वत घुरी वे। इतने असल सा मौजूद हैं जो नाबादगार उन्हें सा सी अब मालूम कंदा सी तो उन्हें जो छा चवण है अदा अवां जो नालो छा है गुलाम कासिम जुने सही 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 गुलाम कासिम जुने नालो है डीएफसी छा मसलो थियो आमा सा के 300 बोरी जब मेरशा में लाथी से जंजा बसा के बिल ए रसीद दिनी होयो ए असा के चयो तो ता बैंक मा पेमेंट रिसीव कयो असा के बिल बैंक मा न मिले आए पैसन देने की सूरत में जमल डीएफसी असगर शाह से मिला से तो 3 लाख रुपया रिश्वत घुरी चयो तो 3 लाख रुपया असा के ता बिल असा पास कराइंदा से हे बिल आहन हे रसीदू आहन जेके बिल बैंक मा मोटी आया आहन सब कुछ असा वट मौजूद आहे असा पोए भी उनके असगर शाह से मिला तो 3 लाख रुपया रिश्वत दियो तो ता जा असा बिल पास था करायूं असा गरीब मजदूर हारी 3 लाख रुपया किथा आणियूं जो असा उनके 3 लाख रुपया दियूं जका जमा पूंजी हुई जमा पूंजी हुई असा सजी पांजी फोन में कणक 300 बोरी असा पांजी लाथी आ गुलाम कासिम जे नाले सा असा के काई भी रुपये भी न मिलियो रहंदो असा बचन जो कोई भी गुजर सफर नहीं पोखाई करे सकिया न कुछ करे सकिया मेहरबानी करे असा तदारक कयो वने न त असा भी सूरत में पांजे पाण के साड़ींदासे। अच्छा यो बुधायो तो तवां जको आ सखर भी वयो के फुड ऑफिसर सा वाजी गाल बोल थी इन हवाले सा या उनन छा चयो यो तो बुधायो सर असा वया से फुड इंस्पेक्टर भी सखर में भी उनन भी यही चयो तो चाहे मसलो असगर अली शाह हल कंदो जे ता जो जको ते ता ऑफिसर होयो ए जमाली साहब सा मिलो वनी पर उनन करप्शन कई आए ए असा जो कोई भी मसलो हल नथो कयो वने घणो अरसो थयो आ जको आ ता बिलन पेंजी पेमेंट पेंजे हक लाए दरबदर आए सर तकरीबन 4 महीना थी आन चयन महीनों का असा पद पंद करे करे थकी पियां पर असा कोई भी तदारक न तो कयो वने हियर असा खबर पई तो तवा इते आया हो इन करे असा सब कागज पंजा खणी करे तवा वटि पोता हूं अची। अच्छा यो बुधायो तो किथे किथे तहां वयो सखर वयो डीजी ने बट वयो ए पंजो हता जे फूड ऑफिसरन वट वयो के तहां के मिंथु करनी पई पंजे हक घुरण ला साईं असा सबनी के मिंथु कयो से जेको भी इते नो डीएफसी थी पियो अची असा उन के इलाज मिंथु कयो से त असा जो मेहरबानी करे असा के हक पंजो दिनो वने उनन चयो त जे तहां के बिल दिनान उनन सा मिलो वनी असा डीजी नेब में सखर में भी वया से उन्हें डीजी नेब कराची लेटर कढ़ियान तो हक थी तक पेमेंट कराई वी फूड सेक्रेटरी के तीन दरख्वास्त दिन इंशाल्लाह मसलो हल कराई पर 4 महीनों तीन असो कुछ भी नियो असो मुतालबो असि पेमेंट कराई वे तो असें बच्चन के लिए कुछ न कुछ गुजर सफर क्यों पोखाई शुरू क्यों अस हिंसर भी असि पोखाई न कर सकूं असें पेमेंट न मिलने के करे अस गरीब हिंसर वो तो कड़ा वो न अस पेमेंट थी मिले न अस पोखाई करा सकूँ हिंसर अस वक्त ढो तंग तो गुजरे। अली मोहम्मद जमाली लाए या भी असा के खबर पई आ तो वो अग में अली मोहम्मद जमाली जो फूड सुपरवाइजर हो जैं वहां के बिल ठाए दिना वो अग में भी जो आप जो करप्शन में मुलविस हो तेजे बावजूद उनके सुपरवाइजर रखे हुए वहां के ये खबर हुई या न हुई सर असा के बिल्कुल यह खबर हुई तो करप्शन कंदो असा लख रुपये अग में भी वरतो हो जैसे उनमें असा के बारदानो दिनो हो असा उनके लख रुपये दई कर बारदानो वरतो से असि कणक पुजाई है हाँ असा के रिश्वत घुरी थी जहाँ असा रिश्वत है ही न ही असा दई सकूं था रिश्वत छो था घुरन जैसे तुम हक छो रिश्वत था घुरन साई रिश्वत हेरियल है रिश्वत जैसे वो करप्शन ना कन तेस तीन कुछ कन ना हिंसर अस पंद कर थक पाया पर असो कोई भी तदारक न थी सको है जी नाजरीन मैं बुधो आबादगारन जो यो चवण है तो करप्शन में मुलवस फूड इंतजामिया उन अली मोहम्मद जमाली जो को फूड सुपरवाइजर हो ड्रिप मेहर शाह गोदाम जो पर हकीकत यह है तो उनके बीहर एक दफो चार्ज दिनी भई करप्शन हेठ जो है वो अग में भी जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम हेठ आयल हो पर हु कुछ महीना मुअतल होजन का पो बीहर उनके जो जडे त करप्शन जो बादशाह समझो वेंदो है अली मोहम्मद जमाली जैंकी सरपरस्ती हितां जा डीएफसी बिया अमलदार कंदा पर हित जके चक्की में जके पिसजन था उहे पिसजन। जी अदा यू बुधायो तो छा मामरो आ ही जो है पंजो परचो खणी करे हथन में घुमंदा था वतो छा समझो था त अवा के छो न था पैसा देना वन असान जी कोई भी बुधे न तो सर जाते वनो जे दर ते अनोदा पैसा घुरिया वनन दा करप्शन दे लाय असान चवंदा बाबा ता जो असान 600 बरी रुकी पयो ने असान के कागजात न हर छ बैंक ते व्यास है बाबा असान जा मदा चयो वे तो बाबा ता जा बेन दे नाले ते पैसा निकता वन बिल सर के उनन ने फूड इंस्पेक्टर कडरा छड्या न इने करे असान के मुदा कुछ बुधे न तो
रुगो करप्शन रुगो करप्शन सर तुम गोदाम से ठो पान ठो तो सर हजार लखे बोर भर पन कोई भी उनकी कोई तादादारी नी थे सर ना असा कुछ दिनों तो वे सर जो हाँ पेमेंट को यो समझो तो कयो था ता असा के जो है पंजो असा माल वापस कर दिनो वने सर असा पा माल घुरियो से जो से सर जे असा पेमेंट न थी असा पा माल लियो असा काथे मुदा बेहंद मुदा गुजर सफर क्यों जा छा क्यों सर असा असा जे इने करे असा दरखास्त या भी देनी से सर गोदाम ते व्यास असा इंस्पेक्टर चो जंके चवण तो चो वनी असा बोरी वापस न कंदा से जो मुतालबो छ असा मुतालबो सर जे पेमेंट न थी मिले असा के माल दिनो वने वापस इन आबादगारों को ही मुतालबो आ असो हक दिनों वे असो जैसे हक ना दियन अस पैसा ना दियन तो असल कणक वापस दिनी वे जैसा प्रॉपर तरीके से उन्होंने वट गेट पास आन प्रॉपर तरीके से उन्होंने वट बिल आन पर उन वेचार को भी जो है पो खरतेल को निकरे इत मौजूद हैं आबादगार अवज नालो अदा यो बुदाय ती सरापा एहतजाज आजे कर मुझे नालो अकम अली आबादगार आयूँ असा इन फुटदार जुलम किया वही रिश्वत था घुरन बारदानों दियन भी था वो आखिर रुलान था पेमेंट भी ना कन असा दाएँ दाएँ बीठा पा साड़ियों भला बाह दूँ इन जी रिश्वत था घुरन असा वनूँ काे रोज़ रोज़ असा इन दर खड़काए खड़काए डीएसपी साहब के दर से अचन अड़ा वाठा बीठा जो लठ खी बीठा असा अचण ही ना दियन भला साई मुरादली शाह अर्ज क्यों तो असाई का तदावारी कर असा गरीब मिसकी नौ असा पोख्यूँ बच्चन के खारायूँ असा वनूँ कड़े जुल्म में असा इतने था अचों तो भी असा डंडा दियो बारदान रिश्वत साई असाई 300 बोरी है असानी हाँ हड़पन अस उन घुरू था असा माल वापस दियो माल वापस डंडा खी बिठा उन तदावार असा काडे वन पैसा भी ना दियन पैसा ला भी जुलम आज माल खड़ था तो माल भी ना दियन उन वाठा जो वेठा रिश्वत वारा सब इंस्पेक्टर असा जुलम कई वेठा असा कड़े पास वनू असा आखिर कें दर खड़कायूँ नी या पा साड़ियों भला पा सा एडो जुलम थो आबादगार चवण है अस वनू तो वनू कदा को तदारक थो ना को बुधवारो ना कोई असो साई धनी ना जी अदा यो बुधा तो तुम घी बोर अस 150 बोर जी तो अस गरीब मू मजदूर मूँ आयो अस एतरी बोरी पुजायासे अस न मिली आ समझ अस हरपत कयासे जमीन कयासे तभी बनी कयासे से तभी हक न मिलो गरीब पैसा ना दियन खाई ना मिलन सही वेठा बच्चन रोजगार गरीब मू मजदूर मू अस पूरा कह ओतरो वो माल जन वेचारन गरीबन आबादगारन पंजो माल दिनो उनन सा को मिलन लाय तैयार ना है जड़ी बल माल वठण जो टाइम हो तो गोदाम ते सब मानु उते मौजूद हुआ फूड इंस्पेक्टर मौजूद हुआ फूड सुपरवाइजर मौजूद हुआ जन वो माल लहरायो माल लहरायण का पो जको है उनन के बिल दिना व्या बिल जके उ खणी करे हथन में खाली कागजन वांगे उ हथन में जके घुमाईदा त रहन पर हन वक्त उनन वेचारन सा इंसाफ न थी सक्यो आ ही जके असा सा मौजूद है चाचा वा जो नालो छ है किथा जा आयो तमा केड़े गोदाम ते माल लाथो असा ड्रिब मेयर शाह अला दिनों नूनारी नालो आ मुझे सही अस बारदानो 150 बोरी लाथी आ असा जो अस पेमेंट नी दिनी वे अस वे वे जदोजहद कई आ तब अस पैसा ना दिना वन सही जो अस इंतजामिया के असो पेमेंट कराई वे न तो असो माल दिनो दियो कणक दियो जो आसो इन कर अस चूंता तो असा सरकार के मुतालबो आ अस पेमेंट कई वे असी कणक वापस करी वे असो वही बजट रुक कई है अस बच्चन जो रोजगार अस इन कणक खी दिनी अस को तदारक नो वे सही असकूमत के मुतालबो आबानी कर पैसा दिना वन या कणक दिनी वे हुकूमत का यो ही मुतालबो आ या असें पैसा दिना वन या अस कणक दिनी वे पर आबादगार डी जी नेब जो है मजबूर थी कर दर खड़को है सजो बेड़ो जो है वो करप्शन में बुडल है हकीकत यह है इतना जहाँ आबादगार जो वेचारा सरापा एहतजाज नजर अचन था उन हक को थे कणक खी कर गोदाम में लाइन था जो करप्शन में मुलविस फूड इंचार्जन उत रखा था वन जिले खैरपुर में 8 तालको इन 8 तालक में जो 56 जहाँ जो सेंटर कायम क्या वादा हि तो उ मू असो मीडिया जो बुधी कर पौता जो मुख्तलिफ़ जो मान ऑफिसर डी एफ सी जहाँ डिप्टी डायरेक्टर जहाँ आला अख्तियार दर खड़काए खड़काए कर असता पर हकीकत यह ही एतरा केतरा अड़ा मू हूँ जे इन करप्शन के वर चढ़ियल हूँ ही जो मू ये हि तो माना चंद मू इतने पौता पर हकीकत यह ही जहाँ डिसजे तो जैसे इन गरीबन से एतो जुल्म थे तो
अगते जो है अं असो है दोस्त के मुताबिक त इन जी ज़िले खैरपुर में जी 56 सेंटर कायम क्या वा 56 सेंटर में कायम जो 56 सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर जो उत मौजूद हों उन खिलाफ जो है कार्रवाई कई वे जांच कई वे मुकम्मल तरह से कड़न कड़न आबादगार के पैसा ना मिलया कड़न कड़न आबादगार जो कणकू वी उन जब्त कर छ्यून हि तो अबोझ आबादगार जो वेचारा इन वक्त धक्का खाइंदा था वतन उन पैसा को मिली सन यो भी बुधाया तो इत जो DFC खैरपुर हो असगर अली शाह साहब जो कुछ बुधाने लाय तैयार ना जे अंग अखर बुधाने लाय तैयार ना तो इतने सेंटर घना कायम हूँ जिन उन्होंने फूड सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर घना कायम तैनात क्या वादा उतने जिन ड्यूटिन हूँ घना जो इतने फूड सेंटर जिन कायम पर उनको है मुआजरत अख्तियार कर छी ए जरियन वा अस जैसे अस खैरपुर पौतासी तो असें मालूम थो तो DFC असगर शाह के भी जो है करप्शन के इल्ज़ाम हेठ जो है मुअतल किया है उनके हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने लाए जो इतने अब्दुल मजीद जो इतने तैन मुकर्र है DFC खैरपुर उन्होंने अस जैसे राबो किया तो उन्होंने मिलने का लाचारी डेखारींदे यो बुधायो तो कें फौतकी में वयल आया गम वट अवसा मुलाकात को कर सकता असा सा आबादगार मौजूद आ उन्होंने मालूम क्यों था तो उनको चवण अदा यो बुधायो तो अवं के घो अरसों थो कणक डी अव कड़ा कड़ा ऑफिसर जो मुलविस करप्शन में जिन तक छो भला जो है वक्त पैसा ना था दिना असाई साई तदारक कोई नो क्यों वे असाई आला अख्तियार उन बुधी असाई तदारक न कर तो अस बाईपास बंद कदा नेशनल अच्छा यो बुधायो तो बारदानो जडे डनो विंदो वो भी रिश्वत वज आबादगारन के बारदानो मिलंदो आ या न मिलो न सई असै न थु मिले पांजे मन पसंद मानन के ता देन पैसा भी न था देन रिश्वत वज में सिंध हुकूमत पारा जो उन लखन की तादाद में बारदानो दिनों वो पर उ बारदानो भी जो उन आबादगार न मिलो बारदानो जो व्यापारियों के विक्रो किया विक्रे थे जो भी इंकशाफ थो मुबैना तौर जो बारदानो विक्रो किया बारदाने की मद में भी लखे रुपया करप्शन कई वी पर इत हालत इहा है तो इत जो मौजूद आबादगार उनको है तकरीबन पैंजे बनी जो अन्न है जो उन बचड़न जो गुजर सफर है उको उन हकीक उनो यो चवण तो नई उनकी पेमेंट दिनी थी वे नई जो उनको कणक दिनी थी वे मुबैया करप्शन में मुलविस ऑफिसर उन्नो वरी उतरे गोदाम इंचार्ज रखा वा गोदाम इंचार्ज के रखा वा समझो तुम इतना अंदाजो हणी सके थी असि नाजरीन तो जो करप्शन एवज जो मुअतल थल हूँ उनके बीहर तैनात कर माना आबादगार से वे में वो जुल्म हों के यो तो बुधा तो हि जो फूड सेंटर है खैरपुर सिटी जो जैमें इन वक्त जो पौणा 2 लख कणक जो बोर पयल जो सील कई व्यून पर इत जो है नंढे ऑफिसर का वी वे ऑफिसर तीन खुराक खाते में जो सब जहा सब मुबैया करप्शन में मुलविस पर जिनका को पुछ वो ना आबादगार जिन उनके यह खबर होंगी आबादगार वेचारा जिन वेचारा मिस्किन जो कणक खड़ी कर उतने गोदाम से पहुंचन था जैसे पहुंचन था उहे गंद कणक लाहन था उनके बिल दिनों तो वे उनके गेट पास जी उनी थी वे उनके अलावा जो उनके बैंक मोकलो तो वे पैर इतने धिका खान था बैंक जहाँ धिका खान था जैसे पेमेंट को मिले तो वरी जिन मुख्तलिफ़ जिन इदारन जहाँ पैं इंसाफ लाए हक ला जो मुख्तलिफ़ इदारन जहाँ चक्कर काटन था वह चक्कर काटींदे काटींदे उन जुतियों घसी थी वन पर हकीकत में इन दोस्त यो चवण है असें इंसाफ को मिले प्रोग्राम जरिए जो इन गरीब मारूड़न के आबादगार के इंसाफ मिली सकन। सखर जिले में कुछ साल अग साइट गोदाम के इंचार्ज कार अवान फूड इंस्पेक्टर साइट गोदाम 9 करोड़ रुपये की करप्शन कही जहाँ उन साबित थी जो अज सेंट्रल जेल सखर में जो कैद है इतना अंदाजो हणो तो
फुड इंतज़ामिया उन महिल किथे हुई जॾहिं 9 करोड़ रुपए की करप्शन कई वही बाद में वह जॾहिं इंकशाफ थो उन जा सबूत मिलिया काफ़ी अरसो उनको केस भी हलो उन केस का उनके जेल माने वो पर इत दरअसल गाल यह है तो इत गरीब मारुड़ा अबोज आबादगार जे आबादगार जे हक लाए दर दर दाही दादा वतन पर उनके कोई इंसाफ देण वो ना ये जी ऐसो पस कैमरामैन अव दिखारे सके तो हि जी बोरू पन कणक जो ये जी सील पैक क्यों जी तकरीबन इन गोदाम में खैरपुर जो गोदाम आ उनमें तकरीबन ही बोरू आन पौना बलख बोरू इतने रखी हुई जैमें सिर्फ ब चौकीदार इतने जो कम कन था एडी कणक उन बिन चौकीदार हवाले कई वही है असानी जैसे गाल बोल थी डिप्टी डायरेक्टर अनीस महर से फोन से मिलने का इनकार कर छोड़ो पर उन यो भी दादा मामलो लई मिटी कर छद ही तो जो मतलब पुरानो मामलो है 3 महीना इनके वह हाँ इनके कद यो भी बुदाया तो नेब में आबादगार पारा जो काफ़ी दरख्वास्तों दिनी व्यून जी उन्होंने इंसाफ थी सके एक ही इदारो वही बचो है नेब जैमें जो उन्होंने दरख्वास्तों दिन तो असा हक थी सके असा इंसाफ थी सके नेब जरिए जो ये चवण है तो उन दरख्वास्त बाद जो है सेक्रेटरी खुराक खाते के लेटर माने वो है जी उन आबादगार है वह रकम मिली सके उन आबादगारन के पंजो हक मिली सके यू बुधाया तो इन वक्त ताई नेब जरिए जो है वो इंकशाफ कयो है बाखबर जरिए इंकशाफ कयो है तो जिले सखर ए जिले खैरपुर में इन वक्त ताई 1 अरब रुपए की करप्शन थी है करप्शन कई वही है अली मोहम्मद जमाली जो ड्रिब मेहर शाह गोदाम जो इंचार्ज हो जो इन वक्त जो फरार है वक्त जो है वो रूपोशी अख्तियार कर वो है यो इंकशाफ जो है सैयद असगर अली शाह जैसे फोन से असा राबो उन बुधायो तो अदा जो इंस्पेक्टर फूड सुपरवाइजर जो है सरकारी मुलाजिम जो है वो गायब है जिनका को पुछण वो ना है वो छो गायब थो जैसे वो अग में करप्शन में मुलवस रो हो मुख्तलिफ़ फूड गोदाम से उन करप्शन कई ही करप्शन की बाजार गर्म कर रखियो वेठो हो तो उनके बीहर ड्रिब मेहर शाह गोदाम जो इंचार्ज छो रख सवाल यो पैदा तो थे तो जैसे इंतजामिया उनके पोन करतूतन के ऐसी करप्शन के ऐसी उनके न रखे हाँ तो हि जी आबादगार सरप है एतजाज आज जिनजो सवें बोरू उत डल जिनकी लखे रुपया जो तकरीबन जो उन्न जहा बुडल जो दर दर दाही रहा उन इंसाफ थे हाँ अड़ो अड़ो अमल जो अड़ो वाक्य जो पेश न अचे हाँ इन आबादगार से असल जो गाल है तो करप्शन करप्ट जी मुबैन करप्शन में मुलविस ऑफिसर के बीहर जो है इंचार्ज रखो वो है फूड गोदाम जो वरी जी उनो अग में ही जो हिरियल हूँ अग में असा करप्शन कई सी असो बीहर जी उ करप्शन कर वरी जो है पाँच जो आबादगार के आजार ए सूर में विझा अस जैसे पौतासी तो इत मुखो यो बुधा वो जो है DFC वो मौजूद ना है DFC जो है वो कें कम से हलो है जैसे असगर अली शाह जो DFC हो फुड जो खैरपुर जो जैसे इतना जो है करप्शन के इल्ज़ाम मुबैन करप्शन के इल्ज़ाम हेट मुअल कर बदली की वो उन जहाँ अब्दुल मजीद बमरो जो है वो DFC खैरपुर जो मुकर्र थो पर वो भी इन वक्त ऑफिस में मौजूद ना है पर असी वरी भी ओडे हल्दी मालूम कंदी असा पाँ फर्ज पूरा कंदी अगत आला अख्तियार फर्ज है तो इन आबादगार कड़ो थी इंसाफ करें जी नाजरीन असा पाँच फर्ज पूरा कर जैसे DFC फूड खैरपुर वट पौतासी अब्दुल मजीद बमरो साहब जी ऑफिस में पाँच में मौजूद न हुआ जन आबादगार के अस कैमरामैन दिखा सके तो वो जो एहतजाज कर वेठल उन आबादगार जो ये चवण है जी असी बोरू डी हुई ड्रिप बेहर शाह मुख्तलिफ़ गोदाम में पर उन वक्त रकम मिली सगी है न ही जो है उन पैसा असा दिना पाया वन जैसे कर दरबदरी शिकार हैं हि ऑफिस हि ऑफिस है अस कैमरामैन अवे दिखा सके तो DFC फूड की अब्दुल मजीद बमरो साहब की जैसे इतने अग में मौजूद हुआ DFC
असगर अली शाह जेके मुबैन करप्शन के इल्ज़ाम हेठि जेको आहे उन्हनि खे बदली कयो वियो आहे। हू जेके आहिनि हिन वक़्तु जेके आहिनि कराची हेडक्वार्टर रिपोर्ट करे रहिया आहिनि। मालूम कयोसीं फूड अमलदारनि खां, फूड जे हिते क्लार्कनि खां, फूड सुपरवाइज़र अली मोहम्मद जमाली हो, उन लाइ पुछा कईसीं त हू जेको आहे उहो किथे आहे। त उन दोस्तनि जवाबु ॾींदे इहो चयो त हू ख़बर नाहे किथे आहे। पर असगर अली शाह सां जॾहिं असांजो राब्तो थियो त उन्हनि इहो चयो त हू हिन करप्शन मुबैन करप्शन बाद जेको आहे हू हितां फ़रार थियल आहे। पर हू त फ़रार थी वियो आहे, तव्हांजा आफ़िसर बि ख़ामोश तमाशाई बणियल आहिनि। जॾहिं त नेब में फूड इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु जेके आहिनि काफ़ी सारियूं दरख़्वास्तूं हिननि दोस्तनि ॾिनियूं आहिनि, अञा जाच हली रही आहे। सेक्रेटरी खे जेको आहे नेब अख़्तियारनि जेको आहे उहो लेटर माणियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं उतां बि को अहिड़ो जवाबु न आयो आहे सेक्रेटरी पारां जीअं हिननि आबादगारनि जो जेको आहे मसलो हल थी सघे। वरी ॿीहर मिलंदासीं कंहिं नए इशू सां गॾु प्रोग्राम डेडलाइन में। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एजाज़ छॾण खे।